हेलो दोस्तों, मैं भी कांश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आप सभी को हाफ एप्पल कैसे बनता है मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यह हमारा ट्रस्ट है जो 5x5 का है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को दिखा दूँ, ये पार्ट 1 बनने वाला है, हाफ एप्पल कैसे बनता है मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को काट के मत जाइएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 5 फीट का जो है ये ट्रस्ट है जो 5 फीट पे ये बनाएंगे पूरा हाफ एप्पल। मैं आप सभी को हाफ एप्पल 5 फीट पे बनाकर दिखाऊंगा किस तरह से बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ट्रस्ट की मैं लंबाई और चौड़ाई नाप के दिखा दूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये 10 इंची है जो इसकी चौड़ाई है। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक जो भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया, प्लीज़ जाइए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए। वहाँ पे मैं न्यू फोटोज़ न्यू वीडियोज़ डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा इस तरह से ये चार फीट का ये ट्रस्ट है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को इसको भी नाप कर दिखा दूँ कि कितने बाई कितने का ट्रस्ट लगाता है तो बनता है ये। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा हाफ एप्पल इसी पे बनेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, 4 फीट का ये ट्रस्ट लगा रहा हूँ, तो इसकी लंबाई जो है 4 फीट की है, इसकी चौड़ाई जो है देख लीजिए 10 इंची है। तो कोई भी आप ट्रस्ट बनवाते हैं तो 10 इंची पे ही ट्रस्ट बनवाया करिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें कपड़ा बांधने में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही शाइनिंग आती है कपड़े लगने में। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 5x4 का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा हाफ राउंडिंग है, ये 4 फीट का जो हाफ राउंडिंग है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से 4 फीट का हाफ राउंडिंग ऐसे रख दिए हैं इसी पे। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी देखिएगा इसको हम लोग बांधेंगे, इसको हम बांधेंगे किस तरह से ये लग रहा है दोस्तों। अभी तो वीडियो पे ऐसे बने रहिएगा, ऐसे एंजॉय करते रहिएगा, आप लोग जल्दी से जल्द सीख जाएंगे कैसे ये बनता है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने रस्सी ला लिया है और इसमें ज़्यादातर रस्सी मैं लोअर वाला कटिंग, कपड़े का कटिंग का यूज करता हूँ, जो कपड़े पे कटिंग किया जाता है, लोअर बनता है जो पहनते हैं लोग, उसी का यूज करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ऐसे इस तरह से ये सारा ट्रस्ट लेकर ऐसे ही बांध लेना चाहिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ही इस जो हाफ जो एप्पल ये बन रहा है आपको बहुत ही गजब लगने वाला है। आप जहाँ भी लगाएंगे, इसको गेट पे भी लगा सकते हैं, इसको स्टेज पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खाने वाले स्टॉल पे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, वहाँ पे खूबसूरती और भी अच्छी लगेगी, इसकी देखने में और भी मस्त लगेगा। तो और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आप सभी को फुल डिटेल में इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। ये तो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि इस पर कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी डिज़ाइन कैसे निकाली जाती है, तो सब कुछ मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप सभी को पार्ट 2 भी दिखाऊँगा किस तरह इसको बांधना है, किस तरह इसको टिकाना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको बांधा जाता है और इसका मैं आप सभी को फुल डिटेलिंग वीडियो 2 पार्ट 2 मैं आप सभी को ये बनाकर दिखाऊंगा कि उस पर कपड़ा कैसे पहनाया जाता है, उस पर पाइप पे पूरा ओके करके दिखाएंगे, कपड़ा का चुन्नर कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को ये पार्ट 2 ही बनाकर दिखाऊंगा। तो जिस भाई को और भी कुछ सीखना, कुछ समझना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताऊँगा। अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, इसी घंटे को ऐसे ही दबाना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही दबाकर मेरे YouTube फैमिली में आप भी जुड़ जाइएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे कैसे क्या है, सब कुछ डिटेलिंग में वीडियो बनाता हूँ, आप सभी को सिखाता हूँ।
और भी कुछ सीखना समझना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पे कमेंट करें, मैं आप सभी को सारा डिटेलिंग सब कुछ सिखाऊंगा जो आप सीखना चाहते हैं डेकोरेशन से रिलेटिव, जो भी आपको सीखना है तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहिए। आप सभी के सपोर्ट से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कम्प्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये हाफ एप्पल बांधा जाता है। आपको ज़्यादातर इसमें रस्सी यूज नहीं करने के लिए हम बताएंगे, बहुत ही कम समय में आपको तैयार करके इसको मैं दिखा दूंगा कैसे ये पूरा कंप्लीट बहुत ही कम समय में हो जाता है। आपको पहले क्या था कि आप पहले ट्रस्ट को बांधते फिर उसके बाद उसको चढ़ाकर ऐसे हाफ एप्पल को बांधते, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको सीधा सीधा मैं आप सभी को सिखा दूंगा डायरेक्टली ये कैसे बांधा जाता है, कैसे ये किया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें रस्सी भी नहीं यूज करना है, बहुत ही कम रस्सी में मैं आप सभी को इसको बनाकर दिखा दूंगा सिखा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए दोस्तों मैं आप सभी को इसको खड़ा करके दिखा दूँ किस तरह से ये खड़ा भी बांध सकते हैं। आप अगर नीचे नहीं बांध पा रहे हैं तो इसको खड़ा करके भी ऐसे भी बांध सकते हैं। इसकी सपोर्टिंग के लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसको सपोर्ट कैसे दिया जाता है, इसको बांधा कैसे जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों इस तरह से पहले मैं आप सभी को करीब से लाकर दिखा दूँ ये किस तरह से इसको बांधा जाता है। देख लीजिए जो ये बैकग्राउंड है इसका जो कैसे लग रहा है, तो बैकग्राउंड तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कैसे ये लग रहा है ये। तो ये देख लीजिए दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड था। और आइए दोस्तों मैं आप सभी को फ्रंट से दिखा दूँ ये किस तरह से अब लग रहा है। फ्रंट से मैं आप सभी को ये बांध कर देख लीजिए दोस्तों ये बैकग्राउंड है तो किस तरह से इसको बांधा जाता है। साइड से देख लीजिए दोस्तों इसको सारा ट्रस्ट ऐसे ही इसको बांधा जाता है, इस ट्रस्ट पे लेकर सारा ट्रस्ट अगर बांध लेंगे तो ये आपका कहीं भी ऐसे ही रख देंगे तब भी ये नहीं गिरेगा, लेकिन आपको पीछे से एक पाइप लगाकर इसको सपोर्ट जरूरी देना है क्योंकि वाई दबे कुछ भी हवा हुआ चले या कुछ भी हो या किसी ने छू दिया, छूने से तो नहीं गिरेगा मतलब धकेल उकेल दिया तो उससे गिर सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सपोर्ट देना ना भूलिएगा। तो सपोर्ट कैसे दिया जाता है मैं भी ये सब आप सभी को सेकंड वीडियो में मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, सब कुछ मैं आप इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही इसको देख लीजिए दोस्तों इस तरह से इसको बांधा जाता है पूरा टाइट करके, इसको इस तरह से इसको टाइट करके ऐसे ही पूरा कंप्लीट बांध लिया जाता है कि कोई भी दिक्कत ना हो इसमें डेकोरेशन करने के लिए। अगर ये ऐसे ही इसको बांधेंगे मजबूती से बांधेंगे जिस तरह से इसको मजबूती देंगे उसी तरह से आपका एकदम सॉलिड डेकोरेशन होगा, सॉलिड काम होगा इस पर। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा हाफ एप्पल जो है ये बनकर पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कंप्लीट हो जाएगा मैं आप सभी को दिखा दूंगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ ये हाफ एप्पल स्ट्रक्चर जो है खड़ा होकर मैं इसको बांध रहा हूँ, इस तरह से इसको बांधना चाहिए। तो इस तरह से इसको बांध कर कंप्लीट करके मैं आप सभी को अभी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से इसका लुक है और ये कैसा लग रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा इस साइड का है, साइड का हिस्सा है ये किस तरह से लग रहा है, किस तरह लुक है इसका। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि ये हाफ एप्पल कैसे बनता है, इस पर कपड़े कैसे चढ़ाए जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हाफ एप्पल पे कपड़ा चढ़ाने के लिए पार्ट 2 आप सभी कमेंट करिएगा, मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगा। जितना ज़्यादा आपको लोग कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आप सभी को उतना ही मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आप सभी को कुछ नया बनाऊंगा, और भी कुछ बनवाने के लिए कुछ सीखने के लिए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा। मैं आप सभी को कुछ भी डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी A to Z छोटी से लेकर बड़ी तक का मैं सब कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ हर एक वीडियो में। मेरे हर एक वीडियो में किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आप सभी को फुल डिटेल में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। ऐसा कि नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं, सब कुछ जो भी आपको जानकारी लेना है, जो भी समझना है, जो भी कुछ भी A to Z डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको फंस रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा पूरा रस्सी बांध का ये कम्प्लीट हो चुका है इस तरह से। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को फ्रंट से दिखा दूँ किस तरह से ये लग रहा है। तो देख लीजिए मैं आपको मैं इसको
उतार कर दिखा दो। देख लो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट। अब इसको कैसे भी रखें, कैसे भी उठाएं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी सुधार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा हमारा बांध के कंप्लीट हो चुका है। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से आप बांध कर कहीं स्टेज पर लगा सकते हैं, कहीं इसको आपको खाने वाले स्टॉल पर भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें गेट पर भी लगा सकते हैं। ये हाफ पेपर मेरा फुल पूरा पूरी तरह से, ये देख लो दोस्तों, ये हमारा हाफ पेपर पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से इसका लुक लग रहा है, आप सभी को सेकंड बार देखना है तो प्लीज़ दोस्तों नए चैनल पर कमेंट करिएगा। मैं आप सभी को फुल डिटेलिंग वीडियो बनाकर पार्ट टू में आप सभी को दिखाऊंगा कि इससे कपड़े कैसे लगाए जाते हैं और इसका हाफ एप्पल चुन्नट वाला एप्पल कैसे बनता है। तो मैं सब कुछ आप सभी को दिखाऊंगा, इस पर ट्रस्ट पर कैसे कपड़ा लगता है, इसका बैकग्राउंड कपड़ा कैसे लगता है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और भी कुछ जानना कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही कमेंट कर रहते रहिएगा आप सभी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रेचर पूरा कम्प्लीट हो चुका है, हाफ एप्पल वन पार्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, तो अभी के लिए दोस्तों बाय, एंजॉय माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।